नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 23 अगस्त से लगी हुई है और ऐसे में बच्चे सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछ रहे हैं, सेफ स्कोर क्या होगा। बहुत सारी क्वेरीज गर्ल्स की आई है कि क्या सर पिछली बार की तरह गर्ल्स की कट ऑफ अलग लगेगी, गर्ल्स के लिए कितना सेफ स्कोर होना चाहिए कि अपना टारगेट करके हम लोग तैयारी कर पाए। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी यहाँ पे बच्चियां हैं, जितनी भी छोटी बहनें हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। आप लोग चैनल पे नए होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ आपका मैं क्लियर कर दूंगा। गर्ल्स की कितनी जाएगी कट ऑफ और सबसे बड़ी बात है आपका स्कोर क्या रहा है। आप लोग बहुत जगह आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, लाइव आप यूट्यूब पे अटेंड कर रहे होंगे, आप बहुत सारा टेस्ट भी दे रहे होंगे, आप ओएमआर भी बेस्ड दे रहे होंगे जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं। तो एक बार मुझे बताइएगा कि आप सभी लोग के स्कोर कितने बन रहे हैं, 300 नंबर में से कितने नंबर आ रहे हैं या 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन वाला कमेंट करिएगा तो लिख दीजिएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन हो रहे हैं। वैसे आप नंबर एक बार बताइए कि अभी कितने नंबर बन रहे हैं 300 नंबर में से। आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कट ऑफ के बारे में या सेफ स्कोर जानने से पहले हम लोग को प्रीवियस डेटा देखना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था 2018 का, जब 41,520 पोस्ट आई थी, ये पहली वैकेंसी आई थी, उस बार क्या हुआ था बच्चों, गर्ल्स की कट ऑफ बिल्कुल अलग लगी थी। और गर्ल्स की कट ऑफ में अगर आप देखेंगे सारी छोटी बहनें, ठीक है, तो यहां पर अगर आप ये 225 आपके जनरल मेल की गई है तो वहीं पे गर्ल्स की कितनी गई है 199.5। लेकिन एक चीज देखिएगा कि मेल में यहां पे जैसे ओबीसी एससी एसटी इन सबकी कैटेगरीज अलग लगी हुई हैं और इनके कट ऑफ क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन आप गर्ल्स में देखोगे तो सभी जगह क्या है, सभी जगह कॉन्स्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब 2019 में ये वैकेंसी दोबारा आई विद इन 6 मंथ के अंदर आई, तब ये 6 महीने के जब अंदर ही वैकेंसी आ गई थी, तब जो जनरल का कट ऑफ गया था 185 गया था। इसमें गर्ल्स की कट ऑफ अलग नहीं लगी थी क्योंकि गर्ल्स को इसी में सम्मिलित कर लिया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो नोटिफिकेशन पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन निकला है उसमें गर्ल्स का अलग से रिजर्वेशन का जिक्र किया गया है कि गर्ल्स का रिजर्वेशन बिल्कुल क्या रहेगा, अलग रहेगा, उनको आरक्षण दिया जा रहा है। और जब किसी को आरक्षण दिया जाता है तो उनकी कट ऑफ भी क्या होती है, अलग लगती है। ये अगर 2018 वाले नोटिफिकेशन की बात करें तो वो नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट 2024 का जो 2023 का नोटिफिकेशन आया है, 2024 की परीक्षा वाला 60,244, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो गर्ल्स हैं उनका रिजर्वेशन, उनका आरक्षण अलग से लगेगा। और आरक्षण अलग से लगेगा तो ज्यादा चांस आपकी ये है कि आपकी कट ऑफ अलग लगे। तो कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या सेफ स्कोर रहेगा, एक चीज समझिएगा, पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, पिछली बार वैकेंसी 41,520 थी, इस बार वैकेंसी आपकी कितनी है 60,244 है, पिछली बार से वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछली बार से कंपटीशन भी ज्यादा है और पिछली बार से बच्चों के पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है, तैयारी भी बच्चों की ज्यादा बेहतर है, और क्योंकि ये री एग्जाम हो रहा है तो एक बार उन्हें पैटर्न पता चल गया। इसलिए जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो भी कौन सी, 2018 वाले, इसमें आप थोड़ा सा इसके आसपास थोड़ा सा बढ़ा के ही रखिएगा, इसके आसपास ही आएगा। तो अगर मैं जनरल मेल की बात करूं तो जनरल मेल में कट ऑफ 225 से 230 के बीच में आसपास रहेगी और इसी में 4-5 नंबर का आप टॉलरेंस ले सकते हो, कम या ज्यादा हो सकता है, 225 में 2-3 नंबर कम हो जाए, हो सकता है 230 में 2-3 नंबर बढ़ जाए। तो रेंज जो रहेगा 225 से 230 नंबर के बीच में ही रहेगा। और इस हिसाब से अगर गर्ल्स की बात किया जाए तो गर्ल्स का लगभग उतना ही आंकड़ा क्या होगा, कम होगा, लगभग 25 से 30 नंबर का डिफरेंस आता है, तो गर्ल्स यहां पे लगभग 205 नंबर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकती है। तो अगर बात किया जाए तो 200 से 205 इसमें 2-3 नंबर का टॉलरेंस, मतलब कि आप 2-3 नंबर कम या 2-3 नंबर ज्यादा, 195-96 भी हो सकता है और आपके क्या हो सकते हैं 207-208 हो सकता है यदि कट ऑफ अलग लगी तो। अगर हम ये केस ले लें कि कट ऑफ अलग नहीं लगी, 2019 वाला ही सीन रहेगा क्योंकि महिलाओं का तो आरक्षण 2019 में भी रहा ही होगा, जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि एक नोटिफिकेशन में आरक्षण दिए अगले नोटिफिकेशन में आरक्षण नहीं देंगे, तो फिर क्या कारण रहा होगा कि गर्ल्स को इन्हीं कैटेगरीज में इंक्लूड कर लिया गया। बहुत सारी यूपी ट्रिपल एससी की भी वैकेंसीज होती है जिसमें कई में तो गर्ल्स का अलग रहता है, लेकिन कई सारी वैकेंसीज ऐसी भी रहती है जिनको गर्ल्स को उन्हीं कोटे में सम्मिलित कर लिया जाता है, मतलब जो जनरल गर्ल्स होगी वो जनरल कैटेगरी में आ जाएगी, ओबीसी में ओबीसी में आ जाएगी, एससी के एससी में आ जाएगी, एसटी की एससी में आ जाएगी। बट जब आपकी सीटें रिजर्व होती हैं तो जैसे जनरल मेल में जब जनरल फीमेल आएंगी तो जनरल मेल की सीटें भी तो बढ़ जाएंगी, मतलब जनरल कैटेगरी की टोटल जो सीटें होंगी वो मेल और फीमेल दोनों जोड़ के होंगी, ऐसे ही ओबीसी में जो सीटें होंगी वो मेल और फीमेल जोड़ के होंगी, ऐसे सीटें भी बढ़ जाएंगी। और अगर सीटें बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका 225 कट ऑफ जाएगा, अगर कंबाइन कट ऑफ मिला तब जनरल का जो कट ऑफ लगेगा, जनरल का कट ऑफ आप ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा होगा तो 205 के आसपास लगेगा, बहुत बहुत, मतलब
रेयर केस में कि पेपर पेपर एक मॉडरेट लेवल का रहे, इजी टू मॉडरेट पेपर, बहुत ही आसान ना आ जाए कि बस क्वेश्चन दिखते लगाते चले, वरना ऐसी दशा में तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ही। तो मान के चलो कि पेपर एक एवरेज लेवल लेकर आता है, हालांकि कट ऑफ की जगह तो हम लोग तब कर पाते हैं जब आपका पेपर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। फिर भी हम एक कंडीशन लेके चले कि जैसा पिछली बार पेपर था, जो इस बार का कॉम्पिटिशन है, सबको लेके चले, और गर्ल्स अगर इसी में आएंगी, जनरल मतलब ओपन कैटेगरी में आ जाएंगी, मतलब गर्ल्स मेल में ही इंक्लूड कर ली जाएंगी, तब आपका कट ऑफ 205 ही जाएगा। और अगर गर्ल्स अलग इंक्लूड की जाती हैं तो जनरल का जो मेल का कट ऑफ है वो 225 से 230 के बीच में होगा, और गर्ल्स का कितना होगा, गर्ल्स का 200 से 205 के बीच में होगा। आप ये देखो दोनों ही फिगर आपका गर्ल्स का, ये 205, हालांकि जब कंबाइन होता है तो 205 में मैक्सिमम बता रहा हूं इससे कम ही जाएगा। तो एक बार मैं आपको दोनों कंडीशन यहां पे लिख दे रहा हूं कि दोनों कंडीशन में क्या होगा। ये बहुत सारे आपके प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का मैं 2 मिनट में जवाब दे देता हूं। लेकिन अगर कंबाइन कट ऑफ लगती है, कंबाइन कट ऑफ लगती है, तो आप मान के चलो कि कट ऑफ आपकी 200 प्लस रहेगी, 200 के आसपास, 200 से 210 के बीच में। और अगर डिफरेंट लगती है कि गर्ल्स की अगर अलग कट ऑफ लगती है, अलग कट ऑफ लगेगी, तो मान के चलो 195 से 200 के बीच में रहेगी, और यहां पे 200 से 205 के बीच में रहेगी। इतना 5 से 10 नंबर का फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, दोनों ही तरीका मैंने बता दिया। अब आते हैं प्रश्न पे, लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। लास्ट टाइम में मैं आपको बोलूंगा कि नया कुछ पढ़ने के बजाय आप ज्यादा से ज्यादा मॉक करो, हिंदी पे रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो, और जीएस जीके के स्पेशल टॉपिक पे फोकस करो बस। गर्ल्स अगर आप थोड़ा बहुत मैथ में केवल नंबर सिस्टम पढ़ ले तो आपका काम बन जाएगा, बाकी मत पढ़िए। किस विषय को ज्यादा पढ़े मैंने आपको बता दिया, कितने घंटे पढ़े, अब आप घंटा देख के मत पढ़िए, जितना मैक्सिमम हो सकता है अपने घर के काम काज, अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, अपने जो जिंदगी के लफड़े हैं, उनको साइड कर दो, और आप जितना हो सकता है मैक्सिमाइज अपना आउटपुट दे सकती हैं वो आउटपुट दीजिए। रिवीजन कहां से करें, रिवीजन आपने जहां से भी कोर्स लिया है या जो भी आपने किताबें पढ़ी है, जो भी आपने नोट्स बनाया है, उन्हीं को बार बार पलट के देख लिए, रिवीजन का सबसे सही तरीका यही होता है। मैं फिर से बोलूंगा, अंत समय में नया कुछ भी पढ़ने से बचे। टेस्ट कहां से लगाएं और कितने लगाएं, टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे रिवीजन के लिए ये पूरा हमने मैराथन करवाया हुआ है, आप इसकी प्लेलिस्ट परीक्षा प्लस ऐप पे भी पा जाओगे, परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे भी पा जाओगे। तो यहाँ पे रामबाण सीरीज रिवीजन की आपको पूरी क्या लगी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है, यहाँ पे आप जाके एक एक क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। साथ में आपका जो टेस्ट है वो मॉक टेस्ट, आप सुबह रोज 8 बजे परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपके मॉक टेस्ट होते हैं, 8 बजे ये लाइव यूट्यूब चैनल पे पूरी वीडियो क्लासेस होती हैं, 8 बजे से लेके 12 बजे तक लगातार आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये आपके मॉक टेस्ट हो गए, बाकी टेस्ट प्राइज वाला भी मॉक आपको संडे के होता है, जिसमें जो टॉपर होता है उसे 1000 रुपए कैश प्राइज मिलता है, और बाकी 9 लोगों को कूपन वाउचर 1000 तक का मिलता है। तो लगभग 1 लाख तक का हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख तक का आपको कैश प्राइज देते हैं, जिसमें लाइव टेस्ट आपका 11 AM से शुरू हो जाता है, प्राइज अनाउंसमेंट 8 PM पे शाम में, और एनालिसिस 8:15 PM पे होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी और कम समय में बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।